The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So anaphylaxis ek life threatening kind of allergic reaction hai jo pure body mein hota hai aur ye kyun hota hai sabse bada sawal yahi hai. एनाफेलेक्सिस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन. सो एनाफेलेक्सिस सीवियर होगा ऑब्वियसली, पूरी बॉडी में होगा ऑब्वियसली, और ये किसी ना किसी चीज से एलर्जी होगी ऑब्वियसली. एलर्जन कौन सा होगा सबका अलग हो सकता है, और हर एक एलर्जन हर एक के लिए अलग हो सकता है. और एलर्जन का मतलब वो चीज जिससे एलर्जिक रिएक्शन होता है. जब भी आपकी बॉडी ऐसी किसी एलर्जन से, जैसे कि मधुमक्खी के टंग मारे, मधुमक्खी का जो उसके अंदर टॉक्सिन है उससे, या कोई आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो छोटा मोटा जो एलर्जी है उसी से ऐसा हो सकता है. उनसे क्या होगा, आपका मान लो एक मधुमक्खी ने आपको डंग मारी, उससे क्या आपका बॉडी पहले बार में सेंसिटाइज हो जाएगी. सेंसिटाइज मतलब आप जब एक एलर्जन को एक्सपोज होते हो, कोई एक एलर्जी रिएक्शन वाली चीज आपके अंदर गई, आप उससे सेंसिटाइज हो गए, मतलब आपकी बॉडी तैयार हो गई के उसके लिए एंटीबॉडीज बना ली. सेंसिटाइजेशन क्या होगा, उसके बाद जब सेकेंड टाइम वो एलर्जिक रिएक्शन वापस, एलर्जन वापस आपके अंदर आएगा, तो उससे क्या होगा, सेकेंड टाइम आने पे पूरा का पूरी बॉडी में वो हमला बोल देते हैं, हमला यानी एंटीबॉडीज जो है पूरी की पूरी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन करके हमला बोल देते हैं. वो एक सिवियर रिएक्शन होता है जिसको हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं. उसके लिए सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है. जैसे कई लोगों को पीनट से एलर्जी, मूंगफली से एलर्जी है, पहले मूंगफली लेते तो उससे सेंसिटाइज हो गए, उसके बाद फिर एनाफिलैक्सिस हो गया. जय हो. एनाफिलैक्सिस अपने आप में बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है, ठीक है, और पूरी बॉडी में होगा. इसमें अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग इन्वॉल्वमेंट होगी. करेगा क्या, कौन सा केमिकल एनाफिलैक्सिस करता है आपकी बॉडी में, हिस्टामीन. हिस्टामीन और उसके साथ के दूसरे इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में एनाफिलैक्सिस यानी सीवियर एलर्जी, यानी हर एक एलर्जिक रिएक्शन इन्हीं से होता है, कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जानलेवा चीज क्या होती है, आपकी सांस की, आपकी जो सांस की नलियां हैं वो सुकड़ने लगती. सांस की नलियां, अगर एयरवे टाइट हो गया वो आपको सीधा सांस फूलने लगेगा, सांस रुकने लगेगा, जान जा सकती है, बेहोश हो सकते हो. और ऐसी कोई कोई दवाई से भी होता है ऐसा एलर्जिक रिएक्शन, किसी किसी दवा से एलर्जी हो जाती है एकदम जोरदार. उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, कह नहीं सकते कौन सी दवा से हो जाए, कौन से ना हो जाए, किसको हो जाए, राइट. सो जैसे कि मॉर्फिन, किसी को एक्सरे की डाई दे दी या सीटी स्कैन करते समय इंट्राविनस डाई दी, डाई से एलर्जिक एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, किसी को एस्पिरिन से हो जाता है, किसी को किसी से हो जाता है. तो एलर्जिक एनाफिलैक्टिक रिएक्शन दवाई से भी हो सकता है. और पिछली कई बार ऐसी दवाइयां पहली बार में ही एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कर देती है, राइट. अब ये थोड़ा सा एग्जैक्ट सेम नहीं है जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है, जो एक्चुअल ट्रू एनाफिलैक्सिस होता है उसके जैसा नहीं है, मगर सिम्टम रिस्क कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, कि सांस फूल सकता है एकदम से ज्यादा और सांस घुट सकता है, रोक सकता है, राइट. और इन हिस्टामीन को ही स्टॉप करने के लिए आप एंटी हिस्टामीन लेते हो, चाहे वो छोटे से छोटा सिट्रीजीन हो या बड़े से बड़ा स्टीरॉइड हो या आपका मोंटेरेलसी हो, मोंटेल्यूकास्ट हो, या वट एवर एंटी हिस्टामीन यू आर टेकिंग. और ये एनाफिलैक्सिस आपके कई एलर्जन से हो सकता है, चाहे वो फूड के, खाने पीने की कोई चीज हो, कोई दवा हो, कोई इंसेक्ट की बाइट हो, कोई किसी चीज का टच हो, कोई पोलन ग्रेन्स हो, कोई सांस में ले जाने वाली चीज हो, पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल, इनसे एनाफिलैक्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज है. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो भी एनाफिलैक्सिस हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, कम होगा लेकिन हो सकता है. और स्ट्रांग इम्यून सिस्टम में एनाफिलैक्सिस होगा तो और स्ट्रांग होगा, और डेंजरस होगा. प्रिवेंशन से पहले आपको समझना पड़ेगा इसके सिम्टम क्या है, पहचानोगे कैसे. सिम्टम क्या है, कुछ चीज के एक्सपोजर के बाद कोई चोट, किसी ने काटा है, खाया
दवा खाई, उसके तुरंत कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही मिनटों के बाद सीधा सीधा उल्टी जैसा, उबकाई जैसा, छाती में दर्द या पेट में दर्द, सांस में दिक्कत, खांसी, स्नीजिंग, राइट, लंबी लंबी सांसों की आवाज आनी, चक्कर आना, हाथ पैरों में दाने आने, इचीनेस, खुजली होनी शुरू हो जानी, नाक में नेजल कंजेशन होना, उल्टी आनी, एक्चुअल उल्टी, पाल्पिटेशन, धड़ 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 धड़, या जबान अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जानी, कुछ ऐसा, या आँख हाथ पैरों में सूजन आनी, ये सब हो सकता है। तुरंत होगा ये 3 मिनट, 2-4 मिनट के अंदर अंदर, कुछ सेकेंड से लेके। और ऐसे में फिर सीधा हॉस्पिटल दौड़ना है। हॉस्पिटल में सीधा सीधा आपको एक्यूट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एनाफिलेक्सिस इज एन इमरजेंसी, इमरजेंसी, राइट अवे हॉस्पिटल। सबसे पहले एयरवे देखा जाता है, सांस जा रही नहीं जा रही, सांस ले रहे नहीं ले रहे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन सही है नहीं है, नहीं तो लाइफ सपोर्ट पे डाला जाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ट्यूब डालनी तो ट्यूब डालो, पेशेंट को ट्यूब डालनी पड़ जाती है लाइफ सपोर्ट के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। एनाफिलेक्सिस के लिए हॉस्पिटल जाना, पेशेंट, किसी किसी का हार्ट रुक जाता है तो CPR करना पड़ता है, हमने CPR बताया पहले, CPR करके हार्ट चालू करना पड़ता है। लेकिन इसमें पैनिक होने से कुछ फायदा नहीं है, काम, लाइक आई सेड, पैनिक होने से कोई फायदा नहीं है, रिलैक्स रह के, काम रह के, फटाफट जाके ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, राइट। और इस बीच अगर आपको लगता है कि कोई स्किन रिएक्शन है, कोई टूट, कोई किसी ने कुछ काटा है, तो कोई ट्वीजर वीजर यूज मत करो वहां पे, स्क्वीज करने के लिए, कुछ करने के लिए दबाओ मत, कोई उसे वो मत करो, राइट। अगर पेशेंट बेहोश हो रहा है तो शॉक प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को लिटा दो और पैर ऊपर कर दो, लिटा दो और पैर ऊपर कर दो, उल्टा कर दो पैर, ताकि सर में खून जाए, सर में खून जाए, और पेशेंट को एक ब्लैंकेट से कवर कर सकते हो, राइट। और कोई इंजरी नहीं है तो फटाफट रश करो। और ये मत सोचो कि आपने एलर्जी शॉट ले लिया है तो आप बच जाओगे, ऐसा नहीं। एलर्जी शॉट एक टेक्निक है प्रिवेंट करने की एलर्जिक रिएक्शंस, मगर वो 100% गारंटीड नहीं है, किसी किसी में कामयाब है, किसी किसी में नहीं है, सो नो पॉइंट। ट्रीटमेंट ऑप्शन यही है, और प्रिवेंशन इज एलर्जी शॉट्स। एलर्जी शॉट मतलब वो जो एलर्जन है पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है आपको किससे एलर्जी है, और फिर वो एलर्जन वाली चीजें आपको थोड़ी थोड़ी लगाई जाती है रेगुलरली, इंजेक्टेबल्स, या आपको पैच लगाया जाता है, एक्सपोज किया जाता है स्लोली, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने में, साल भर में आपका उससे एलर्जी कम हो जाए, आप डिसेंसिटाइज हो जाए, ये होता है, राइट। उसके अलावा अगर किसी को सांस में दिक्कत हो रही है एलर्जी में, उसको कुछ खिलाना पिलाना मत, उसको कुछ खिलाना पिलाना मत, पानी पी लो, ये कर लो, कुछ नहीं देना, गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। और अगर किसी को सर में चोट लगी है, गिर गए, बेहोश हो गए, तो उसके सर के, सर को ज्यादा हिलाना मत। इट्स वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। एनाफेलेक्सिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और इसके लिए सबसे जरूरी है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, तुरंत ट्रीटमेंट कराओगे बच जाओ, नहीं कराओगे जान जाएगी, राइट। ब्लॉक एयरवे से, कार्डियक अरेस्ट से, रेस्पिरेटरी अरेस्ट से, शॉक से जान जाएगी। प्रिवेंट कैसे करो? प्रिवेंट करने के लिए अवॉइड द ट्रिगर सबसे बड़ा है। जो खाने चीने से आपको एलर्जी पता है, भाई मेरे को मूंगफली से एलर्जी है, मत खाओ। जो दवा से एलर्जी है, मत लेने दो, हर बार डॉक्टर को बताओ। जो पास्ट में हो चुकी है एलर्जी, उससे सीखो, और एलर्जी टेस्ट करा सकते हो। ऑल्दो वो पक्का 100% गारंटी टेस्ट नहीं है, लेकिन करा सकते हो, थोड़ा तो आइडिया मिलेगा। बच्चों को एलर्जी है तो कुछ चीज जिससे एलर्जी हो सकती है, ऐसी एक एक नई नई कोई चीज नई डाल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा खिलाओ, क्वांटिटी कम रखो, ताकि एलर्जी हो भी तो थोड़ी माइल्ड हो, सीवियर ना हो। फिर जिनको एलर्जी है वो अपने मेडिकल टैग पहन सकते हैं, आईडी कार्ड रख सकते हैं, एलर्जी कार्ड रख सकते हैं, कि अकेले कहीं है, एकदम बेहोश मिले तो लोगों को पता चले कि ये पेशेंट को एलर्जी होती है, राइट। ये भी एक ऑप्शन है। फिर सीरियस एलर्जी में एंटी हिस्टामिन्स के टैबलेट्स आते हैं, चुएबल, पानी नहीं है चबा लो। एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन आते हैं, कभी किसी को ऐसी सीवियर एलर्जी होती है वो आसपास रख सकते हैं, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, तुरंत एलर्जी में आराम मिलता है, सांस रुक जाए, रुकना बंद हो जाता है। सो एपिनेफ्रिन और एंटी हिस्टामिन्स बहुत जरूरी है। अपने एंटी हिस्टामिन को डॉक्टर ने दी है एपिनेफ्रिन, तो वो अपने ऊपर ही यूज करना, अपना उठा के दूसरों को नहीं डालने, ये इंपॉर्टेंट है।
नेवर डू दैट, वो उनका हार्ट रोक सकता है, ऐसी खतरनाक पावरफुल चीज है, समझे? सो एपिनेफ्रिन इज डेंजरस, आप नॉर्मली इंडिया में तो मिलता ही नहीं है, बाहर के देश में ज्यादा मिलता है, इंडिया वाले एंटी हिस्टामिन ले लें, बढ़िया रहे, राइट? तो ये हुई बातचीत एलर्जिक रिएक्शन की, सिवियर एलर्जिक रिएक्शन की। कोई सवाल है तो आप लिखिए, बातचीत करते हैं सवालों के बारे में।